स्वस्थ आदमी मैं उसे मानता हूँ जो रोज़ कसरत करे, वो योगा करे, या और सबसे ज़्यादा स्वस्थ मानता हूँ जो वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो। मैं भी शाकाहारी हूँ बिकॉज़ इसलिए नहीं कि किसी और कारण से, हेल्थ के लिए शाकाहारी होना, वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। आपको फिट रखता है, आपको तंदुरुस्त रखता है, बहुत सारी बीमारियों से, कोलेस्ट्रॉल से, आप सब सारी चीज़ों से बचते हैं। तो वेजिटेरियन एंड एवरी डे एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाएं, आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट। कोई शरीर को 1 घंटा रोज़ देना बहुत ज़रूरी है। सर, फिटनेस के लिए आप अपने 24 घंटे में से कितना समय देते हैं? हम 2 घंटे देते हैं। या तो शूटिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा बर्न आउट हो जाता हूँ, और मैं या तो जिस दिन वर्कआउट नहीं किया उस दिन मैं एकदम लाइट फूड पे रहता हूँ, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, एकदम हल्का फुल्का कुछ खाता हूँ। यस, तो ये सारी चीज़ों से बहुत बचता हूँ। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार सबसे फिटेस्ट हैं, हमारे पुराने मित्र हैं वो। हम लोग 91-92 से काम कर रहे हैं साथ में। जख्मी दिल एक पहली फिल्म थी, अक्षय के साथ हमने काफ़ी फिल्में की। ही इज़ वेरी फिट, ही वो बहुत फिट है। भोजपुरी और बॉलीवुड के अलावा जो साउथ में बड़ा पसंद किया जा रहा है आपको? जी, साउथ में एक अलग इंडस्ट्री, वहाँ बड़ा वेलकम हुआ। साल में 4 फिल्में करता हूँ, ये साल शायद 5 फिल्म करूँगा। अब मैंने कन्नड़ भी शुरू कर दी, तेलुगु में काफ़ी फिल्में मेरी हिट रहीं और वहाँ पे लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब मैं जैसे कल भी मैं तेलुगु चला जाऊँगा, आंध्रा चला जाऊँगा एक फ़िल्म करने के लिए। सो बहुत प्यार है वहाँ पे, बहुत इज्जत दे रहे हैं। तो एक अच्छा है कि हिंदी, फिर भोजपुरी, फिर तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, गुजराती भी कर रहा हूँ, सारी भाषाओं में काम करने का एक अलग मज़ा आया, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है इसमें, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जी शहंशाह की बात करें तो शहंशाह ऑलमोस्ट कंप्लीट है फिल्म, वो डबिंग के स्टेज पर है। शहंशाह आ जाएगी, जूली 2 हिंदी में आ जाएगी, एक इंडो ब्रिटिश फिल्म है बम्बेरिया वो आएगी हमारी, और एक फिल्म ये कैसा खिलाड़ी वो आएगी। मोहल्ला 80 भी, अब जब सेंसर अब थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए, तो सनी देओल साहब के साथ मेरी एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है मोहल्ला 80, वो उसका इंतज़ार है, वो आ जाए। तो ये साल काफ़ी फिल्में हैं, तेलुगु में है, कन्नड़ा में है, गुजराती एक फिल्म अभी मैंने की रघुवीर नाम से, गुजराती भोजपुरी बायलैंग्वेज। तो यस, काफ़ी अलग अलग है। कल कॉमेडी नाइट्स बचाओ में कृष्णा की खिंचाई करते हुए मैं आपको दिखाई दूंगा, कृष्णा ने हमारी की थी, कल मैं मेरी बारी थी तो कल मैं गया हूँ, तो कल आप लोगों को देखने मिलेगा। कल कृष्णा बचाओ करके रोते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कल उनको हम पूरा पगला दिए। तो कल ये सारे आनंद देता रहता हूँ और आनंद मिलता रहता है। अभी जी गदर फिल्म, बहुत अच्छा है, फिल्में चलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो फिल्म चली और एक साल में चलते रहने से इंडस्ट्री ज़िंदा रहती है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि अच्छी फिल्में और अच्छी चलती हैं, और वो भी अपने मेरे सारे वो छोटे भाइयों की, जिन लोग मेरे जो जो जिन्होंने मेरे साथ अपना करियर शुरू किया है, काम किया है हमारे साथ, हम आए सबसे पहले, उसके बाद सब आए और आज सब रॉक कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है एक सीनियर होने के नाते अपने सारे छोटे भाइयों के लिए, जितने भी हीरोज़ हैं। ये बहुत अच्छा कॉज है, बिकॉज फेलिसिटिंग डॉक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग हमारे जीवन रक्षक हैं, उन लोगों को सम्मान देना है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ एंड रियली थैंक देम दैट इन लोगों ने, और उसको कलरफुल करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया, ग्लैमराइज किया। सो एक बहुत अच्छा है, ऑडी से लेके सारे बड़े कंपनीज इनके स्पॉन्सर्स हैं, तो इट्स अ ह्यूज थिंग एंड दे आर ग्रोइंग, और बहुत बड़ा आज कुछ 500 तक डॉक्टर्स आएंगे और सारे बड़े हॉस्पिटल्स को आज सम्मान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कॉज है और बहुत अच्छे कॉज में इन्होंने मुझे बुलाया, इसलिए उन सबको धन्यवाद। रवि जी, इस तरह के इवेंट के जरिए हेल्थ केयर सेक्टर को आपको क्या लगता है, कितना बेनिफिशियल होता है इस तरह का इवेंट? ये बहुत अच्छा है, इससे क्या होता है, एक तो हौसला अफजाई होती है जब आपको अवार्ड मिलता है, डॉक्टरों को भी अवार्ड, जैसे एक्टरों को अवार्ड मिलता है, पूरे साल काम करो उसके बाद सम्मान मिले, तो डॉक्टर्स भी बहुत सारा काम करते हैं, उनको किसी प्लेटफॉर्म पे सम्मान मिलता है तो सारे डॉक्टर्स भी खुश होते हैं, अदरवाइज़ उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग सी होती है, रोज़ सबको बचाना, 24/7 बेचारे मेहनत करते रहते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स, तो फॉर देम ऑल्सो एक उनके लिए भी एक थोड़ा रिलीफ सा है, सम्मान भी है
एक ट्रॉफी जब ऑफिस में या उनके क्लिनिक में लगती है तो उनको बड़ा एक किक मिलता है टू डू मोर मोर बेटर वर्क एंड ह्यूमैनिटेरियन जॉब अच्छा करें और हमारी सबके लिए मदद करें हमेशा। इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑपरेशन करते हैं। आज उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर सम्मान दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप गवर्नमेंट भी इन लोगों को बढ़ के रिकग्नाइज करना चाहिए एंड दे शुड बी ऑलवेज, जैसे पद्मश्री और ये सारी चीज़ें अवार्ड जो भारत सरकार की होती हैं उसमें डॉक्टरों के नाम को भी जोड़ना चाहिए और अस्पताल को भी जोड़ना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी इन लोगों को सम्मान देना चाहिए। हौसला अफजाई ये सारे कॉजेज़ को करना बहुत ज़रूरी है। होता कुछ नहीं, एक ट्रॉफी मिलती है वो तांबे की, पीतल की होती है या कांच की होती है, लेकिन वो बहुत मायने रखती है, इट्स अ बिग थिंग। और आप डॉक्टर्स अपने परिवार में भी जाते, दे फील गुड, द चिल्ड्रन एंड किड्स एवरीबडी फील्स गुड कि माय पापा गॉट इट और माय हस्बैंड रिसीव दिस अवार्ड, अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कॉज के लिए, अपने देश के लिए। सो इट्स अ गुड थिंग, इसको बढ़ावा देना चाहिए। और थैंक्स, धन्यवाद मीडिया को भी कि आप लोग भी इसको, इस कॉज को उठाते हो और आप लोग इसको जनवाते हो लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।